तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि सैमसंग A52s में OneUI 6.1 का अपडेट आने वाला है और बहुत जल्दी आपको इसमें रोल आउट होने वाला है। तो आज फाइनली दोस्तों इसका अपडेट आ चुका है और इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए, कितने MB का अपडेट आया, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर ले लो। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल SI टेक में। तो सर जैसा कि बताया मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A52s के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट पे एंड चले जाना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे। आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा और साफ साफ लिखा हुआ है कि OneUI 6.0 रेडी फॉर इंस्टॉल के लिए आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ऑल चेंजेस में जाएंगे तो पूरे फीचर्स दिए हुए हैं, क्या क्या नए नए फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर की फीचर्स में जाएंगे तो पूरी डिटेल और मिल जाएगी कि क्या क्या की फीचर्स भी इसमें ऐड ऑन किए गए होंगे। सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि सर्कल टू सर्च का ऑप्शन दे दिया गया, ट्रांसलेट फोन इन रियल टाइम, गेट राइटिंग हेल्प विद राइटिंग असिस्टेंट, ट्रांसलेट विद चैटिंग, ट्रांसलेट कन्वर्सेशन, ऑटो फॉर्मेटेड नोट टेक्स्ट, समराइज वॉइस, मतलब सारे AI के फीचर इसमें ऐड ऑन करके दे दिए गए। आप देखेंगे एक एक करके तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है, आप देख सकते हैं। तो ये जो अपडेट आया इंस्टेंटली आज ही के दिन आया, मतलब अभी आया कुछ टाइम पहले ही। मैंने मॉर्निंग में चेक किया था, मॉर्निंग में नहीं आया था, जस्ट अभी ये अपडेट यहाँ पर रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर की फीचर्स आ गए, इसके बाद कौन कौन सी एप्स अपडेट होंगी वो ही दिख जाएगा। वर्जन नंबर 1.6 आएगा, 1 अप्रैल की सिक्योरिटी के साथ आएगी और इसका जो साइज है 2223 MB का ये अपडेट है, यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया है। तो आपको इसको अपडेट करने से पहले अपने मोबाइल को फुली चार्ज कर लेना है। अपडेट करते टाइम आपका कॉल बंद हो जाएगा, जैसा कि उन्होंने साफ साफ लिया है। बैकअप भी अगर आपको अपना थोड़ा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो बैकअप भी ले सकते हैं। अब फाइनली मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करने के बाद मैं कर लेता हूँ इसको इंस्टॉल। अब इंस्टॉल होने में जितना टाइम लगता है फिर देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों हो चुका है ये रीस्टार्ट अपडेट होने के बाद। इसको टाइम लगा कम से कम 15 मिनट का टाइम लगा उसको रीस्टार्ट होने में और फाइनली हो चुका है अब अपडेट। और अपडेट करने के बाद देख लेते हैं इसमें क्या क्या नए चेंजेस आए। अभी मैं आपको बताऊंगा मेजर अब चेंजेस जो होंगे वो बताऊंगा और बाद में आपको पूरा एक्सप्लोर करूंगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूं तो यहां पर आपको बता रहा है वेलकम टू OneUI 6.1। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लोर नाउ का ऑप्शन दे रहा है। एक्सप्लोर योर गैलेक्सी न्यू फीचर इन सेटिंग टिप्स एंड यूजर गाइड में भी जाके आप एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर आपको डन करके ऑन कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं अबाउट फोन पे। अबाउट फोन में आने के बाद यहाँ जा रहा है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे एंड देन आप देख सकते हैं OneUI 6.1 का अपडेट इसमें फाइनली आ चुका है, जो कि लास्ट अपडेट है A52s का। इसके बाद ये अपडेट कोई भी अपडेट नहीं आने वाला, सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और यहाँ पर 1 अप्रैल की सिक्योरिटी अपडेट आपको मिल रही है। ओवरऑल ये यहाँ पर अपडेट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद अभी आप चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा फर्क आएगा। सबसे पहले तो मुझे ये फर्क लग रहा है कि मेरा ये क्यूक पैनल पूरी तरह से चेंज हो गया। पहले मेरा क्यूक पैनल अलग आता था, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे चला गया, ये सब मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एप्स आपको जो भी मिलती हैं वो सब यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर एक चीज चेक कर लेते हैं, वॉइस फोकन वाला फीचर सबसे पहले इसमें आया है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नया फीचर दे दिया गया है, वो है टेक्स्ट कॉल का। अब यहाँ पर टेक्स्ट कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइव कॉल में आप बात करते करते जो भी आप लिखेंगे सामने वाले को वो सुनाई देगा और जो आप बोलेंगे वो सामने वाले को दिखाई देगा। और चाहे तो आप यहाँ पर लिख के भी बात कर सकते हैं, टैप शेयर टू स्विच टू वॉइस कॉल, और यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पर वॉइस कॉल में चले जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो चेंजेस दिया गया वो यही यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहला चेंजेस आपको यही मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे नए नए चेंजेस दिए गए, छोटे छोटे और बड़े बड़े, बहुत शानदार। दोस्तों फिलहाल तो यही सबसे पहला मुझे फीचर लगा कि आप लाइव कॉल में यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जो कि पहले बिक्सवी टेक्स्ट कॉल के नाम से रहता था। उसके अलावा फीचर्स तो बहुत सारे लिखे हैं पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क करेंगे, ना ही कि वर्क कर रहे हैं। जैसे सर्कल टू, ये जो सर्कल टू सर्च वाला फीचर है, अगर मैं यहाँ पर उसको प्रेस भी करके रख रहा हूँ ना तो भी वो काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ पर होम बटन को प्रेस भी करके रख रहा हूँ तो भी वो काम नहीं कर रहा है, ना कोई वो सर्च करके बता रहा है आपके सामने। अगर मैं यहाँ पर उसको प्रेस करके रखूँ या किसी चीज़ को यहाँ पर दबा के रखूँ तो भी वो काम नहीं कर रहा है, ये फीचर बिल्कुल नहीं काम कर रहा। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है
ट्रांसलेट फोन कॉल इन रियल टाइम जो कि काम कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताई दिया। इसके अलावा गेट राइटिंग हेल्प विथ राइटिंग असिस्टेंट, यू कैन चेंज योर राइटिंग स्टाइल, योर गेट स्पेलिंग ग्रामर एंड कंजक्शन। ये मैंने अभी यूज़ नहीं करा ना मिला। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि नहीं मिला। रिमेनिंग रीमेजिंग पिक्चर विद ये वाला फीचर भी नहीं मिला। जनरेट योर ऑन वॉल पेपर भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर फीचर। मतलब बहुत सारे फीचर अभी मुझे नहीं मिल रहे हैं और ना ही यूज़ हो पा रहे हैं। इसमें एक फीचर मुझे अभी मिला जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हो, वो है आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत शानदार यहाँ पर फीचर ऐड ऑन कर दिए गए। जैसे कि मान लीजिए मेरी वीडियो है, मुझे एडिट करना है, तो पहले एडिट करने में बहुत दिक्कत होती है, अब आप एडिट कर सकते हैं। हाई लेवल की एडिटिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे एडिट करा, मुझे शॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पर इसको प्रेस करके, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो वीडियो को प्रेस करके जहाँ मुझे छोड़ना है और यहाँ से मैं कट आउट या इधर से कट आउट मैं यहाँ पर इजीली कर सकता हूँ। तो ये फीचर यहाँ पर काफ़ी अच्छा दे दिया गया है। और इसके अलावा मुझे और भी कोई फीचर नहीं लग रहा है ये फिलहाल इसमें भी चल रहे हैं। आने वाले टाइम पे जब जैसे मैं चेक करूंगा, क्योंकि रिसेंटली अपडेट हुआ ही है, जस्ट मैंने वीडियो बनाई है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे फीचर्स पता चलेंगे कि कौन कौन से फीचर ये काम कर रहे हैं और कौन कौन से सैमसंग A52s में वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। AI वाले फीचर काम करते हैं या नहीं करते, सब मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।